हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्यारे बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये होता क्या है और इस फिनोमेना के बारे में हमें बताया किसने है? सो माइकल फैराडे एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने हमें इस फिनोमेना के बारे में बताया था। इस फिनोमेना में एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस होना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन ये होगा कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल? तो अपने पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, स्मॉल स्मॉल। जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट आपका स्क्रीन पे है, मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। देखो मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। उसका अगर कॉइल के साथ में अगर मोशन होता है, एक मोमेंट होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है, तो आपका करंट इंड्यूस होगा। और करंट क्या है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक सोर्स है। सो इसका मीनिंग है बच्चों कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रिकल। अब आपका डायग्राम में देखो क्या शो हो रखा है। आपके पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर रखा है। एक क्वाइल है आपके पास, जिसको मैं सोलेनॉइड बोल रही हूँ, आप क्वाइल देखिए, क्वाइल है आपके पास, उसको किससे अटैच किया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस दैट सेंस स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट। एमीटर जिस करंट को मेजर नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता, गैल्वेनोमीटर उस स्मॉल वैल्यू के करंट को भी शो करता है। सो इसलिए प्यारे बच्चों, आपकी बुक में भी आप देखना, एनसीईआरटी बुक में आपका यहाँ पे, ये आपका पॉइंटर देखते हैं कहाँ है अभी, आई टेक द पॉइंटर हेयर। ये देखो, ये जो आपका डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब करना क्या है, हमें एक मैग्नेट लेना है, उसको आगे पीछे, उसके मोशन को क्या करना है, आगे पीछे। ऐसा करने से क्या देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल है, जो जीरो पे थी, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है। इसका क्या मीनिंग है बेटा, कि आपने जो मैग्नेट का कॉइल के साथ में फ्लक्स चेंज किया, व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन आपकी पास होती है, वो होता है फ्लक्स। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है फ्लक्स। ये फ्लक्स आपके लिए नया वर्ड होगा, राइट? इसके बारे में डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे। सो अभी आपको जस्ट यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या टॉपिक है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, सिंपल फिनोमेना। मैग्नेट की पोजीशन को आगे पीछे करके क्वाइल के अंदर करंट को प्रोड्यूस करना है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैग्नेट की जो आपकी पोजीशन है, अगर आप वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, फास्टली मूव करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। अगर आप उसके मोशन को धीरे धीरे करेंगे, स्लोली लेंगे, तो आपका गैल्वेनोमीटर कम रीडिंग दिखाएगा। सो ये आपका स्क्रीन पे जो है, आप इसको देख सकते हैं। ऊपर आपकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और नीचे आपका फर्स्ट फिनोमेना है। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर है। नेक्स्ट देखें, सेकेंड के अंदर है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज करते हैं, सो उसकी वजह से भी आपका करंट इंड्यूस होता है। सो स्टूडेंट, टेक टू कॉइल ऑफ वायर वाउंड अराउंड अ सिलैंड्रिकल पेपर रोल। एक कागज को ले ले ऐसे सिलैंड्रिकल शेप का, उसके ऊपर दो वायर को वाउंड करें, लपेटे, एक क्वाइल ए बन जाएगी, एक क्वाइल क्या बन जाएगी, बी बन जाएगी। इफ करंट इज पासिंग, ओके सॉरी, कनेक्ट वन क्वाइल टू अ बैटरी। एक क्वाइल को किससे जोड़ो, बैटरी से। अदर क्वाइल को किससे जोड़ो, गैल्वेनोमीटर से। इफ करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट क्वाइल, द गैल्वेनोमीटर निडल शोज अ डिफ्लेक्शन इन अ सेकेंड क्वाइल। इफ द करंट इज डिस्कनेक्टेड, the needle move in the opposite direction. This shows that current is induced due to change in magnetic field. ये तो थी lines. इनका meaning क्या है प्यारे बच्चों? इनका meaning ये है, हमारे पास है दो coil. एक coil में जब key को press करोगे तो current move करना start कर देगा, जब key को release करोगे, off करोगे key को, तो current आपका stop हो जाएगा। जब तक करंट मूव करेगा, क्वाइल आपकी मैग्नेटाइज रहेगी। उस मैग्नेटाइजेशन की वजह से साइड वाली, पड़ोसी वाली क्वाइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। और जब आप करंट को बंद कर दोगे, तो क्वाइल में कोई करंट नहीं है,
कॉइल के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जो आपका गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल है वो ये शो करने के लिए कि करंट आप क्या हो गया खत्म, वो डिफ्लेक्शन देगी सेकेंड साइड में अपोजिट डायरेक्शन में। और ये सारा का सारा आपका साइड वाले आप डायग्राम में देखिए, सेकेंड डायग्राम बड़े अच्छे से आपको दिखाया गया है। ये आपका मल्टीमीटर होता है बेटा, मल्टीमीटर होता है जो आपके बहुत सारी चीज को एक साथ मेजर कर सके, एक साथ मतलब एक ही डिवाइस में, मतलब आप एक ही मीटर से वोल्टेज मेजर कर लो, आप करंट मेजर कर लो, आप रेजिस्टेंस मेजर कर लो, है ना, मतलब एक ही डिवाइस से आप बहुत सारी चीजों को मेजर करते हो, तो उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। सो मल्टीमीटर की हेल्प से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी वोल्टेज दी है, कितना करंट इंड्यूस हुआ है ना, तो पर्टिकुलर वो वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो अब आपका है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जैसे हमने लेफ्ट हैंड पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट, अब बिल्कुल सेम एज इट इज फ्लेमिंग क्या है, राइट हैंड रूल है। अगेन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इंड्यूस करंट। सो हम ये भी कई कई आपके डिवाइसेस में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं, कईयों में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ये आपका टॉपिक आगे आता जाएगा, मैं आपको बताती जाऊंगी स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम एसी और डीसी करंट भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स व्हाट इज एसी करंट एंड व्हाट इज डीसी करंट? अब आप लोग बोलोगे कि मैम हमने तो एक ही करंट सुना है, घर में तो एक ही करंट होता है, वायर में भी करंट लग जाएगा, वायर को ना टच करो, है ना। तो अभी आप छोटे हो क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, लेकिन अब आप 10th क्लास में पढ़ लोगे कि व्हाट इज एसी एंड व्हाट इज डीसी, मींस आवर करंट इज ऑफ टू टाइप, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। एंड व्हाट इज अल्टरनेट एंड डायरेक्ट करंट, लेट अस रीड। सो फर्स्ट इज ए करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अगर आपका करंट मूव करे आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दैट इज नोन एज डीसी करंट, मींस डायरेक्ट करंट। और डीसी करंट हमें कहां से मिलता है, फ्रॉम अ बैटरी, बैटरी के अंदर जो करंट होता है, आपके घर में बैटरी होगी ना, इन्वर्टर की बैटरी होगी, अरे लाइट चली जाती है, इन्वर्टर ऑन करते हो अपने आप ऑन हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होती है, बैटरी लगी होती है, तो बैटरी में कौन सा करंट स्टोर होता है, डायरेक्ट करंट। एंड ए करंट दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, मतलब अल्टरनेटली एंड अल्टरनेटिवली, टाइम के साथ अप एंड डाउन होता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखो फर्स्ट डायग्राम में आपका आपका दिखाया गया है डीसी, और सेकेंड वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया है एसी। मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूस एसी करंट, अपने इंडिया के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है एसी, क्योंकि हम एसी को इजिली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। एसी चेंजेस डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। एसी की फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर 60 हर्ट्ज होती है, और यूएसए में होती इंडिया के अंदर अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और यूएसए के अंदर होती है 60 हर्ट्ज। वहां पे जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, अपने इंडिया में अलग है। नेक्स्ट है, वन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन है, कई बच्चे पूछते भी हैं कि मैं पावर स्टेशन पे एसी बनता है डीसी करंट क्यों नहीं बनता, क्योंकि प्यारे बच्चों एसी करंट को ट्रांसमिट करना, उसके अंदर एनर्जी का जो लॉस होता है वो कम होता है डीसी के कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पे पावर स्टेशन होते हैं वहां पे एसी को बना लेते हैं, अपने घरों तक ले आते हैं, और फिर उसको डिवाइसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। सो आप एक बार डायग्राम को देखें कि आपका एसी का है जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो, सॉरी डीसी जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो, एसी करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 50 हर्ट्ज, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। सो नेक्स्ट इज, ये आपका सर्किट डायग्राम आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो अपने घरों में होता है बेटा, अपने घर के अंदर जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें अपना एक मेन मीटर होता है बिजली का, जिससे अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, एक आपका फ्यूज लगे होते हैं, है ना, और अंदर के आपके क्या होते हैं, प्लग्स होते हैं, आपका आपका फैन होता है, लाइट है, आपका फ्रिज है, टीवी है, आपके बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं घर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर टू हाउस इज सप्लाई थ्रू द मेंस, इट हैज टू वायर्स, एक होती है लाइव वायर जिसको पॉजिटिव वायर बोलते हैं,
उसका कलर होता है रेड, ऊपर से इसका जो कवर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का। दूसरी होती है न्यूट्रल नेगेटिव वायर, उसको शो करते हैं ब्लैक कलर से। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू वायर्स इज, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होता है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू वायर्स, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। द अर्थ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट कैप्ड इन द ग्राउंड। अब स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल शॉक ना लग जाए इसीलिए हमारे पास एक अर्थ वायर होती है जो ग्रीन कलर की होती है। उसका फंक्शन सिर्फ होता है हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाना, अदरवाइज अगर उसको ना लगाएंगे तो अपने डिवाइसेस वर्क करते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, अपने घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनकी करंट रेटिंग होती है टू टाइप की, या तो करंट रेटिंग में होते हैं 15 एम्पियर वाली में, या होते हैं 5 एम्पियर वाली में। अब ये 15 एम्पियर और 5 एम्पियर क्या है? देखो बच्चों, कुछ चीज होती है आपकी हल्की फुल्की जो कम करंट से काम कर लेती है, कई आपके पास होती है भारी, जैसे एसी है, मशीन है, मोटर है, इनको ज्यादा आपकी पावर चाहिए, इनकी रेटिंग ज्यादा होती है बेटा, वो वर्क करते हैं हाई करंट पे। तो जैसे आपका एयर कंडीशनर है, एसी, आपका गीजर है बेटा, आपकी मोटर है, तो उनको हम वर्क करवाते हैं 15 एम्पियर पे। और जो आपका जैसे फैन है, बल्ब है, आपका सिंपल सा छोटा मोटा मिक्सर ग्राइंडर है, स्मॉल चीजें हैं आपकी, वो आपकी वर्क करती है 5 एम्पियर के ऊपर, राइट। द डिफरेंट अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन आवर हाउसेज जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सारे पैरेलल कनेक्ट होते हैं, सीरीज में नहीं होते। इसका बेनिफिट क्या है? पैरेलल में उनका इंडिविजुअल स्विच होता है बेटा। अब आपको फैन ऑन करना है तो उसका अलग स्विच होगा, लाइट ऑन करनी है, आपको मोबाइल को चार्ज करना है, टीवी को करना है, मतलब सबके लिए सेपरेट सेपरेट स्विचेस हैं। लेकिन अगर वो सीरीज में होते बेटा तो सबका एक होता, एक ऑन करेंगे तो लाइट भी ऑन होगी, फैन भी ऑन होगा, टीवी भी ऑन होगा, है ना। और अगर एक चीज खराब हो गई, एक में आपका करंट नहीं जा रहा है, तो सारे की सारी चीजें नहीं चलेंगी। सो सीरीज में लगाने के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, इसीलिए हम उनको किस में कनेक्ट करते हैं, हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट आपका है दीज अप्लायंसेज हैविंग मेटेलिक बॉडी, जिनकी मेटेलिक बॉडी होती है बाहर से, जैसे आपकी आयरन की, रेफ्रिजरेटर की, देयर मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, सो दैट इफ देयर इज लीकेज ऑफ करंट इट पासिस टू द अर्थ। अगर आपकी प्रेस में से, आपके फ्रिज में से, उनकी बॉडी मेटल की होती है ना बेटा, अगर मानो सपोज थोड़ा बहुत फालतू करंट बॉडी में चला गया, तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, वो हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से। ओके, तो मेन पर्पज है इलेक्ट्रिकल शॉक से बचना, इसलिए हम अर्थ वायर को यूज करते हैं। आपके लास्ट वाले पैराग्राफ में ये लिखा गया है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये डोमेस्टिक सर्किट वाला टॉपिक क्लियर है। प्यारे बच्चों, इनको रफ कॉपी में बना बना के देख लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये डायग्राम भी आते हैं बनाने। सो नेक्स्ट इज आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो आपने टॉपिक किया बेटा, जरूरी नहीं कि आपको पूरा ही 3 मार्क्स में एज इट इज आए, कई बार आपको 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आपको शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और वो आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो आप एक बार देखिए। जैसे आपको आ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ओवरलोडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है, राइट। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। ऐसे बोलते हैं फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। कई बार ओवरलोडिंग होती है, करंट ज्यादा आने से शॉर्ट सर्किट होता है, उससे बचने के लिए भी हम किस डिवाइस को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज को। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है? आपका सेफ्टी डिवाइस है। सेकेंड थिंग, इसकी क्या क्वालिटी है, है ना। तो जिसके अंदर वायर लगी होती है बेटा, उसकी क्या क्वालिटी है, उसके क्या फीचर्स हैं? जिस भी मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट होगा कम, उसको हम फ्यूज वायर जैसा यूज कर सकते हैं। इफ एक्सेस करंट फ्लो थ्रू द सर्किट द फ्यूज वायर melts, वो पिघल जाएगी और अपने घर के अप्लायंसेस को बचा लेगी। क्या होता है बेटा, बाहर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, कई बार उसकी वैल्यू, उसकी वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि वो अपने घर वाले अप्लायंसेस को खराब कर सकती है। तो स्टार्टिंग में फ्यूज क्या हो जाता है, उसकी वायर की प्रॉपर्टी है वो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होकर सर्किट ब्रेक हो गया। एक बार सर्किट ब्रेक हो गया तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने घर के अंदर जाएगी नहीं, तो अपने अप्लायंसेस चलेंगे नहीं, तो हमारे अप्लायंसेस हो जाएंगे सेफ। सो स्टूडेंट,
इफ एक्सेस करंट फ्लो थ्रू द सर्किट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट। फ्यूज वायर किसकी बनी होती है? या तो बनती है मेटल्स की या बनी होती है अलॉय की, लाइक लेड, टिन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर। हम लाइव वायर के साथ उसको किसमें कनेक्ट करते हैं बच्चों? हम उसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन वोल्टेज। कई बार क्या होता है बेटा, इफ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टेक्ट एंड इफ टू मेनी अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन अ सिंगल सॉकेट। कई बार हम क्या करते हैं, एक ही प्लग पे ये वाला भी लगा दिया, टीवी का भी लगा दिया, मोबाइल चार्ज भी लगा दिया, प्रेस भी ऑन कर दी, एक ही पॉइंट पे, एक ही सॉकेट पे, तो एक सॉकेट पे वोल्टेज हो जाएगी ज्यादा, तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। या कई बार क्या होता है बेटा, आपके बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट की वजह से पिघल जाती है वायर्स और लाइव न्यूट्रल के कॉन्टेक्ट में आ जाती है, उससे भी ओवरलोडिंग होते हो जाती है, ओवर हीटिंग की वजह से भी। इट रिजल्ट इन ओवर हीटिंग ऑफ द वायर एंड कैन कॉज डैमेज टू द सर्किट एंड अप्लायंसेस। राइट, ओवरलोडिंग का मीनिंग क्लियर हुआ? या तो आपकी लाइव वायर न्यूट्रल के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, या आपकी ओवरलोडिंग कब होती है? जब एक सिंगल सॉकेट पे हम बहुत ज्यादा अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देते हैं। सो इन टू केसेस वी कैन से दैट आवर सर्किट इज ओवरलोडेड। नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किट। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? सो इसमें जो ओवरलोडिंग का एक पॉइंट था ना, कि जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगी एकदम से, तो एकदम से करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। इट कॉजेज स्पार्क, फायर, डैमेज टू द सर्किट एंड अप्लायंसेस। इतना ज्यादा स्पार्क होगा, हीट इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट, आग भी लग सकती है और हमारे डिवाइस खराब भी हो सकते हैं। किसकी वजह से? शॉर्ट सर्किट की वजह से। आपने कई बार सुना होगा बेटा कि कई शॉप्स के अंदर, क्लॉथ की शॉप के अंदर, कहीं पे भी मार्केट में शॉर्ट सर्किट हो गया वायर्स का और सारे के सारे कपड़ा मार्केट जल गई। आपने कई बार सुना होगा ये न्यूज में। सो दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक इलेक्ट्रिक फ्यूज, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट। ऑल दीज टॉपिक्स आर सब टॉपिक ऑफ प्रीवियस टॉपिक डोमेस्टिक सर्किट। सो स्टूडेंट, सो दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। आज वाले जो चैप्टर है, मतलब जो आज की जो क्लास है अपनी, उसका ये टॉपिक था लास्ट। अब इसके बाद जो इस यूनिट से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट है वो अपने अगले वाले वीडियो में क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये जो भी आपकी क्लास में आज करवाया गया वो आपको अच्छे से क्लियर है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट, हमेशा तो एक होप रहती है कि अगर आपका कुछ भी डाउट है, क्यूरी है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर शेयर करके बता सकते हैं। बेटा मेरा मेन मोटो है आपको चैप्टर अच्छे से आए। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। बाय स्टूडेंट्स।